ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ पठानकोट के मशहूर सप्लीमेंट विक्रेता वरुण सोनी ने अपने सप्लीमेंट बिजनेस की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मीरपुर कॉलोनी स्थित सोनी एंटरप्राइजेस सप्लीमेंट स्टोर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य मेहमान के तौर पर 7C न्यूज के MD अजय सैनी, पूर्व विधायक अमित विज, मेयर पन्नालाल भाटिया, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन अर्जुन तालियान और बॉडी बिल्डिंग मिस एशिया संजना धलक ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई और साथ ही बॉडी बिल्डरों द्वारा आए हुए नौजवानों को अपने जौहर दिखाए गए। पत्रकारों से बात करते हुए अमित विज ने बताया कि आज वरुण सोनी द्वारा चलाए जा रहे सोनी एंटरप्राइजेस सप्लीमेंट स्टोर को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके चलते वे उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी सेहत बनाने की प्रेरणा दी। मैं सब तो पहले वरुण सोनी जी उन्होंने फादर साहब को पूरे परिवार को बहुत मुबारक देना और मेरे नाल ने वो कहते ना बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज है। स्टार्टेड इस करियर अपना करियर 14,000 रुपये से शुरू करके और अज 10 साल जो तुम देखो कि सब तो व्डे हेल्थ प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए ने वरुण जी और इन्हों की मेहनत है, इन्हों पेरेंट्स की आशीर्वाद है और यह जो लाइन से काम कर रहे हैं यह कला बिजनेस ही नहीं है जोड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, मगर यह यूथ न ड्रग्स तो पिछे करके स्पोर्ट्स के नाल जोड़ता है, उन्होंने बैटर प्रोटीन प्रोवाइड करता है क्योंकि जो एक्सरसाइज करते यू नीड प्रोटीन। तो मैं कहना वरुण जी ने एज अ एंटरप्राइज ऑलसो एंटरप्रेन्योर ऑलसो अपने आप में प्रूव किया इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर और इन्होंने यूथ नूं भी प्रमोट किया, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना। मेरे नाल लकी भलवान जी हिमसेल्फ तुसीं देखो है साडे भलवान जी ने यह भी स्पोर्ट्स के नाल लिंक्ड ने ते यह भी बच्चों ड्रग्स तो दूर हो के स्पोर्ट्स वाल प्रमोट करते, मैं इन्हों का भी थैंक्स करना। मेरे नाल मेरे ब्रदर आशीष जी आए हैं उन्हों का भी थैंक्स करना, विनोद रामगढ़िया जी ये थैंक्स करना, नाल दिनेश विक्की जी आए हैं साडे काउंसलर साहब ने ते डिस्ट्रिक्ट एसी सेल के प्रेजिडेंट ने उन्हों का भी थैंक्स करना। वरुण जी बहुत बहुत मुबारक तुम 10 साल कंप्लीट करो, थैंक यू। वहीं इस मौके पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन अनुज तालियान और संजना धलक ने सोनी एंटरप्राइजेस सप्लीमेंट स्टोर की 10वीं वर्षगांठ पर वरुण सोनी को बधाई देते हुए उनके द्वारा सेल किए जा रहे सप्लीमेंट्स की विशेषताएं बताई और साथ ही नौजवानों को सही सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की विधि भी बताई। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों गिनती में युवा भी पहुंचे और उन्होंने सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल की सही और सटीक जानकारी भी हासिल की। वहीं इस मौके पर विभिन्न कंपनियों द्वारा सप्लीमेंट्स के सैंपल भी युवाओं को फ्री में बांटे गए। Introduce myself, my name is Sanjana, I'm from Saharanpur, Uttar Pradesh and Miss Asia 2018 gold medalist and Miss India 6 times continuously gold medalist and Miss World bronze medalist और सहारनपुर से पठानकोट की जर्नी बहुत लॉन्ग जर्नी रही है, बट जिस तरीके से वरुण सोनी जी एक्साइटेड थे उनके 10 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, आज हो चुके हैं, तो हम भी बहुत हैप्पी थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पठानकोट आने वाली थी और मुझे पंजाबी लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। पंजाब बहुत सुंदर है, पठानकोट भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी इतने खूबसूरत हैं और बहुत लवेबल है, सब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग, तो आज भी समझते हैं लड़कियाँ पीछे रहती हैं, लड़कियाँ मुकाबला कर रही हैं लड़कों का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी लेडीज़ पीछे रह रही है, इसी भी मेंस की मेल की थिंकिंग है, लेडीज़ पीछे नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, जिम में जाते हैं जेंट्स भी जाते हैं लेडीज़ भी जाते हैं, जेंट्स प्रोटीन भी लेते हैं EAA भी लेते हैं लेकिन अपने घर की जो फीमेल्स होते हैं उनको बिल्कुल मना करते हैं, जब वो खुद ले रहे हैं उनको क्यों मना करते हैं। मैंने बहुत जगह देखे नहीं मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं कर रहे या मेरे हस्बैंड पैसे देने को तैयार नहीं है, मैंने जिम में बहुत इन लोगों को देखा जबकि उनके से उनके हस्बैंड को मैंने देखा यूज़ करते हैं, यानी तो पार्शलिटी करते हैं, वो खुद ही उनको कमज़ोर कर रहे हैं। और सप्लीमेंट का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है कि फीमेल्स को नहीं दिया जा सकता, मैं खुद 8 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और मेरे साथ साथ ऐसी फीमेल बॉडी बिल्डर
होल्डर फिटनेस मॉडल भी है जो कई कई सालों से यूज़ कर रही है, और एक छोटी सी थिंकिंग है कि न्यूट्रिशन यूज़ करने से बेबी नहीं होंगे, ये चीज़ें बहुत छोटी सोच है। हालांकि मेरे सामने बहुत ऐसे केस हुए जो बहुत अच्छी अच्छी फीमेल्स बॉडी बिल्डर है, बाद में उनको वो माँ भी बनी है। और मैं ये मानती हूँ कि जो पूरी फैमिली हमारी है वो एक फीमेल्स पर डिपेंड करती है, अगर माँ है तो माँ पर, दादी है तो दादी पर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारी घर की वुमेंस को स्ट्रॉन्ग होना हर तरीके से, मेंटली फिजिकली, चाहे वो बाय न्यूट्रिशन हो चाहे बाय थिंकिंग हो, है ना, आप सपोर्ट करें उनको अच्छे से। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपके घर की वुमेन स्ट्रॉन्ग होगी वो पूरे घर को बहुत बेहतरीन तरीके से चला पाएगी। इसलिए वुमेंस को सपोर्ट करें। मैं छोटे से एग्जाम्पल ये देना चाहूँगी, जब हमारे घर में माँ बीमार हो जाती तो हमारे घर का सिस्टम पूरा ही ख़राब हो जाता है। चाहे हमारे घर में कितने भी नौकर हो, कितने भी सर्वेंट्स हो, हमारे घर का सिस्टम हमारी माँ से, घर की वुमेन से चलता है। वो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए वुमेंस को सपोर्ट करें। जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उन्हें भी सपोर्ट करें। और रही बात न्यूट्रिशन की, जिससे लोग घबराते हैं कि भाई साइड इफेक्ट आ जाएगी, आ जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि साइड इफेक्ट तब आता है जब आप जेन्युइन नहीं खाते हैं। आपकी जहाँ पे पहचान अच्छी है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे यहाँ पर पठानकोट के लिए मैं बोलूँगी, वरुण सोनी जी का जो स्टोर है वहाँ पर 101% जेन्युइन मिलता है, तो वहाँ से वो बाय कर सकते हैं, तो उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूट्रिशन के ऊपर अगर कोई बोलता है कि बहुत साइड इफेक्ट है, वो सिर्फ इसलिए साइड इफेक्ट है, लोग जेन्युइन नहीं खाते, 200, 400, 500 के चक्कर में वो ऐसी जगह से बाय कर लेते हैं बचाने के लिए, जो कि जेन्युइन नहीं होता, या कई बार ऑनलाइन साइट्स आजकल ऐसी बन गई है जहाँ से 100% ओरिजिनल नहीं आता है, तो वहाँ से बाय करते, इसलिए साइड इफेक्ट हो जाता है। अदरवाइज न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। 8 ईयर्स से मैं एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसकी ऑफिशियल साइट से ही आप न्यूट्रिशन को खरीद सकते हैं। और बाकी जी सर, आज सोनी इंटरप्राइजेस के 10 ईयर पूरे हुए हैं, आप पहुँचे यहाँ पे खास तौर पर क्या? सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिस भाई को नहीं पता है, मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन अनुज तालियान। आज वरुण सोनी भाई ने मुझे आज के दिन इनवाइट किया था कि भाई आप ज़रूर आना, और हम अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सप्लीमेंट स्टोर को 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले भी पठानकोट में कई बार आया हूँ, और जब भी आया था बॉडी शो के लिए ही आया था, लेकिन आज भाई के सप्लीमेंट की 10 ईयर्स कंप्लीट होने पर आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर बहुत प्यार मिला है, और भाई का इतना बड़ा सप्लीमेंट का काम है, वैसे देखो सभी लोगों का मार्केट में रहता है, लेकिन भाई ने अपने घर के मतलब मार्केट से थोड़ा हटके किया हुआ है, लेकिन फिर भी इतने बंधे हुए कस्टमर्स हैं इनके, जो भी है सब इन्हीं से आके लेते हैं। वो एक उनका चाहे प्यार समझो, और भैया जेन्युइन सामान देता है इसलिए उन्हीं के पास सभी आते हैं, सभी मार्केट को छोड़ के यहाँ से आके लेते हैं। तो ये एक विश्वास होना ज़रूरी है, कोई भी एथलीट है तो अच्छे जेन्युइन सामान खरीदे, और जो ऑथराइज्ड डीलर है उनसे सामान खरीदे, और सप्लीमेंट्स की लैब रिपोर्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपको लैब रिपोर्ट कंपनी दे रही है ना, तो समझो वो एकदम जेन्युइन सप्लीमेंट है, चाहे कोई भी हो। जो भी बहुत लोगों को पता नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट को देखकर ले लेते हैं, जो नाम ज़्यादा चल रहे हैं, नहीं तो गूगल में हो गया, चाहे कोई से भी फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह में जिसमें भी है, उनको फ़ोटो देखकर कौन एथलीट उसको प्रमोट कर रहा है उसको देखकर ले लेते हैं, लेकिन उनका खुद की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वे उसको अपने आप खुद भी उसकी जाँच कर ले कि ये सही है या गलत है, इसलिए लैब रिपोर्ट जरूर चेक करें सप्लीमेंट्स। अनुज जी, आपकी इतनी बॉडी है, 2 टाइम आप चैंपियन भी रहे हैं, yes. फिर भी मार्केट में लोगों को थोड़ा सा होता है कि विदाउट सप्लीमेंट या सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, विदाउट सप्लीमेंट बॉडी ऐसी बन सकती है, और सप्लीमेंट्स के कितने साइड इफेक्ट होते हैं? देखो, विदाउट सप्लीमेंट के भी बॉडी बनती है, लेकिन जो हम चाहते हैं अचीव करना, जो हम चाहते हैं कि हमारी इतनी बॉडी बननी चाहिए, उतनी नहीं बनती है हमको, इसलिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। अगर हमको एक लेवल से आगे जाना है तो हमको 100% सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, उसमें कोई राय नहीं है। और सप्लीमेंट के नुकसान देखो, मुझे तो 13 ईयर्स हो चुके हैं अभी बॉडी बिल्डिंग करते हुए, मैंने साल में सिर्फ 1 महीने के लिए कभी सप्लीमेंट रोका होगा, नहीं तो रेगुलर सप्लीमेंट लिया है। मुझे आज तक सप्लीमेंट का कभी साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं चला है,
क्योंकि वही है, अगर जो हम लोकल डुप्लीकेट सप्लीमेंट मार्केट में अभी बहुत सारे आए हुए हैं, लोग 1500-1500 रुपए में, 1200-1200 रुपए में 2 kg प्रोटीन भी देते हैं, उसके साथ में मल्टीविटामिन भी देते हैं, और यहाँ पे पंजाब में तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी फैली हुई है, तो वे सब फेक है। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, मैं जब से पंजाब में आऊँ इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सुना है, और ये सब फेक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लैब रिपोर्ट 100% चेक करो कंपनी की, और अगर सप्लीमेंट अच्छा है तो उसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, चाहे कितने भी टाइम। हाँ, साइड इफेक्ट हो सकता है अगर हम उसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे। दिन में एक स्कूप मॉर्निंग, एक स्कूप शाम को लो, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बॉडी वेट के हिसाब से भी हम सारी पूर्ति सप्लीमेंट से ही करें, नेचुरल डाइट भी हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। नेचुरल डाइट से भी प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए, सप्लीमेंट वर्कआउट के बाद सुबह शाम ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई अच्छे सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट होगा। जो यंगस्टर आपको रोल मॉडल मानकर आपके जैसे बनने चाहते हैं, उसके लिए मैसेज क्या? उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि भाई जैसे अभी बताया था, फेक सप्लीमेंट मत लो, जो ऑथराइज डीलर है उसके पास जाओ, जेन्युइन सप्लीमेंट देखो, अपने आप खुद जांच करो सप्लीमेंट की, दूसरे के भरोसे मत रहो, अपने आप जांच करो, उसकी रिपोर्ट चेक करो, जेन्युइन आजकल सब पे बारकोड आते हैं, बारकोड चेक करो ये सप्लीमेंट कहाँ बन रहे हैं, और कभी भी कोई भी चेक करवा सकता है कि इसमें जितना प्रोटीन है जितना दिया गया है वो है या नहीं है, सब कुछ चेक करा सकते हैं, तो एक बार चेक करा के लेना चाहिए। सप्लीमेंट के साथ स्टेरॉइड का भी नाम आता है, और नशे का दूसरा नाम माना जाता है। देखो सप्लीमेंट से स्टेरॉइड बहुत अलग है, और ये सप्लीमेंट तो एक नेचुरल चीज़ होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट खाने से बॉडी में नुकसान होता है, ये एक नेचुरल चीज़ होगी, क्योंकि ये नेचुरल वे से बना होता है, ये सोया से बना होता है, मिल्क से बना होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर हम 2 लीटर दिन में 3 लीटर दूध नहीं पी पा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट से उसकी रिकवरी कर सकते हैं, तो एक एडवांस हो गया, मिल्क से थोड़ा एडवांस हो गया। और स्टेरॉइड, देखो स्टेरॉइड के बारे में तो मैं भी बोलूँगा भाई मल्टी विटामिन ले लो, कैल्शियम ले लो, ये सब चीज़ें ले लो, लेकिन स्टेरॉइड का सेवन मत करो। अगर आपको काम नहीं चल रहा है कि मुझे स्टेरॉइड लेना ही है और मुझे तगड़ी बॉडी, देखो स्टेरॉइड लेने से तगड़ी बॉडी नहीं बनती है, सबसे इम्पोर्टेंट है एक नेचुरल खान पान होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी डाइट खानी है, और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मेडिसिन का सेवन करते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मेरी बॉडी इससे ही बनेगी, खाना पीना छोड़ते हैं, मैं बहुत देखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टेरॉइड अगर लेना है तो एक अच्छे कोच की देखरेख में लेनी चाहिए, और जिसको नॉलेज हो ऐसे आदमी को लो जिसको अच्छी स्टेरॉइड की नॉलेज है, ताकि वो बता सके, नहीं तो डॉक्टर से सलाह लेकर तब स्टेरॉइड का सेवन करो। अगर करते हो तो पहले तो यही बोलूँगा कि स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहो, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और बहुत साइड इफेक्ट है उसके। पठानकोट तो कैमरामैन हनी दे नाल अजय सैनी की रिपोर्ट 7 से न्यूज़।